दोस्तों आपने मोटिवेशनल वीडियो तो कई बार देखे होंगे, हो सकता है कि आपने मेरे देखे हों, संदीप सर के देखे हों, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, हर्षवर्धन जी जैन, या फिर आपने वॉइस ओवर की अगर हम बात करें तो जीत फिक्स, मन की आवाज, विल पावर स्टार, एबी वायरल और भी कई सारे जिनके वीडियोस आपने कभी ना कभी तो देखे होंगे। तो अगर आपके मन में भी ये ख्याल आया है या फिर ऑलरेडी आप मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। भाई मैं कौन हूँ? मैं दीपक दहिया हूँ। मेरा मोटिवेशनल चैनल है जिस पर 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और पूरे चैनल की अगर हम बात करें तो उस पर 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है और 40 से भी ज्यादा ऐसे वीडियोस है जिन पर मिलियंस में व्यूज है। तो आई थिंक इस कैटेगरी में मैं बेस्ट हूं आपको ये बताने के लिए कि मोटिवेशनल वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है और बिहाइंड द सीन क्या होता है और कैसे हम एक पावरफुल मोटिवेशन वीडियो को, एक परफेक्ट वीडियो को क्रिएट करें जिस पर व्यूज आए, जो कि वायरल जाए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखो वो चाहे मोटिवेशनल वीडियो हो या फिर किसी भी तरह की वीडियोस हो, हर वीडियो की शुरुआत होती है एक आइडिया से। अब मान लो आप सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स की वीडियो बना रहे हो तो देखो वो एक बोरिंग चीज है, उसमें कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ उठा के पटक दिया, कोई प्रोसेस नहीं ज्यादा, वो चीज मुझे बहुत ही बेकार लगती है। मैंने कुछ चैनल्स देखे जिनमें सिर्फ कोट्स ही कोट्स, तो आप भी बोर हो जाओगे, ऑडियंस भी एक टाइम बाद बोर हो जाएगी। तो हर वीडियो की शुरुआत होती है एक आइडिया से। अब आइडिया जो है वो कभी भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है, खाते पीते, नहाते, बैठते, उठते और हाँ यहाँ पर भी आ सकते हैं। अगर मैं आपको मेरी बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा आइडियाज कब आते हैं, तो देखो जब मैं काम करके थक जाता हूँ तो नैप लेने के लिए मैं जाता हूँ, तो जब मैं लेटता हूँ, जब मैं सोता हूँ, तो सोने से पहले मेरे माइंड में बहुत आइडियाज आते हैं। एक तो ये टाइम था, दूसरा नहाते वक्त मुझे बहुत आइडियाज आते हैं, तीसरा जब भी कोई मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा होता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ बातें हो रही होती है तो उसके थ्रू कोई टॉपिक बन जाता है। तो इन तीन टाइम पर मुझे सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं। और देखो आइडियाज जो होते हैं ना बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत प्रेशियस होते हैं, तो उनको हम ऐसे ही मतलब दिमाग में आए और फिर से भूल गए ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही कोई आइडिया मेरे माइंड में आता है मैं क्या करता हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट में मैंने एक फोल्डर बना रखा है टॉपिक्स नाम से, जो भी आइडिया आता है वहां पर मैं लिख लेता हूँ। अब उस पर काम करना है नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन हाँ बैकअप प्लान हमारे माइंड में होना चाहिए। जब कुछ भी माइंड में ना हो तो हाँ एटलीस्ट वो हो कि यार ये मतलब उस टाइम उस वक्त मेरे माइंड में टॉपिक आया तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब मुझे ये काम आ रहा है। ठीक है, काम करना है नहीं करना अलग बात है, लेकिन जो माइंड में आ रहा है लिख दो। क्या इस पर वीडियो बना सकता हूँ, बनाऊंगा, मन हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर भी माइंड में आया लिख दो, नहीं बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो जब भी कोई आइडिया आता है तुरंत उसे लिख डालो, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप भूल जाओगे, बहुत चांसेस है, इसलिए उसे लिख दो। तो आइडिया आ गया, अब बारी आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। तो देखो जब आप थोड़ा इन्फोटेनमेंट टाइप कंटेंट बना रहे हो तो अलग बात है, यानी किसी के बारे में बता रहे हो या फिर ये कहें कि कुछ अलग इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो ही बना रहे हो, किसी की स्टोरी को कवर कर रहे हो, कुछ कोर्स कवर कर रहे हो या फिर एक स्पीच टाइप वीडियो है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक जोन में एंटर करता हूँ, एक ऐसा जोन जहाँ पर मेरे माइंड में सिर्फ उसी तरह के थॉट्स आएंगे, सिर्फ मोटिवेशनल थॉट्स ही आएंगे, उससे अलग नहीं आएंगे। मतलब अगर मुझे मान लो मोटिवेशनल स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मैं अंदर से उस वक्त मोटिवेटेड रहूँ, उस वक्त एनर्जेटिक रहूँ, उस वक्त मेरे माइंड में थॉट्स आने चाहिए, वरना क्या लिखूंगा। तो जोन में एंटर करता हूँ मैं, उस जोन में एंटर करने के लिए मैं दो चीज़ें करता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली चीज़, मेरे कुछ फेवरेट मोटिवेशनल चैनल है, कुछ फॉरेन के हैं, कुछ इंडिया के हैं, तो उन चैनल्स को मैं देखता हूँ। और यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मैं कॉपी करने के लिए उनके वीडियो देखता हूँ, नहीं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं उनके वीडियोस देखता हूँ। ऑब्वियसली वो मेरे फेवरेट मोटिवेशनल चैनल है, तो उनको जब मैं सुनूंगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, मेरे माइंड में कई सारे नए नए आइडियाज आएंगे, नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे, तो अपने उन थॉट्स को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए एक उस जोन में एंटर करने के लिए मैं उनके वीडियोस देखता हूं, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो हमारे माइंड में नए नए थॉट्स आते हैं, एनर्जी बढ़ती है, ताकि मैं अच्छा लिख पाऊं, इसलिए मैं उस जोन में एंटर करता हूं। दूसरा, मैं कोई मोटिवेशनल या फिर इंस्पिरेशनल म्यूजिक प्ले करता हूं, उसको 2 मिनट पूरे फोकस के साथ में सुनता हूँ, उसको फील करता हूँ, एंड जोन में इंटर, बस। उसके बाद में सारे डिस्ट्रेक्शन को हटा दो, पूरा जो फोकस है वो उस टॉपिक पर, उस स्क्रिप्ट पर आपका होना चाहिए। अब बारी आती है स्क्रिप्ट राइटिंग की। अब स्क्रिप्ट राइटिंग में देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है ना, वो होता है स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि जो व्यूवर्स है वो आपका वीडियो आगे देखेगा या फिर नहीं देखेगा। अगर उसे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा मिला, उसके अंदर हाइप क्रिएट हुई, तो वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पर छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि अटेंशन स्पैम जो है लोगों का वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है, लोगों के पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ऑलरेडी लोग बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं, तो एवरेज कंटेंट या फिर नॉर्मल बोरिंग कंटेंट वो नहीं देखेंगे। और एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है लिखने का, है ना, तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन शुरू करने में ही प्रॉब्लम आती है, शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार कई सारी लाइन लिखनी पड़ती है, फिर उसको काटता हूँ मैं, फिर लिखता हूँ, फिर काटता हूँ, फिर देखता हूँ कि यार इस लाइन को मैं बोलूंगा तो व्यूवर्स का क्या रिएक्शन होगा, व्यूवर्स क्या सोचेंगे, क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, मैं खुद को एज अ व्यूअर देखता हूँ, तो बहुत सोचना पड़ता है कि फर्स्ट की जो मतलब शुरुआत की जो 3 से 4 लाइन होती है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि उस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी वो वीडियो वायरल हो गई तो इसमें भी मैं वही बात बोल दूँ, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है, खास करके जब आपके पास में इतना बड़ा ऑडियंस का बेस होता है,
तो 200 से ज्यादा क्वालिटी वीडियोस मोटिवेशनल वीडियो हम बना चुके हैं, तो अब फिर से कुछ नया निकालना है, सेम चीज नहीं बतानी है, तो वहां पर ना मतलब बहुत टफ होता है टास्क। सो इसीलिए स्टार्टिंग पर आप सबसे ज्यादा फोकस करो, उसका फ्लो बन जाता है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि स्टार्टिंग में हाइप क्रिएट कैसे करें, जिससे लोगों के अंदर चुल मचे देखने के लिए, कि मतलब 3-4 लाइन देख वीडियो की सुनी बस चिपक गए वीडियो से, इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोज में आप स्टार्टिंग में बोलने का टोन अपना कुछ इस टाइप से रख सकते हो कि मतलब कोई सुने तो आपसे जुड़ जाए, आपसे चिपक जाए वीडियो से, मतलब एडिक्ट हो जाए आपकी वीडियो से। या फिर आप कोई किसी क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आप ऑडियंस से पूछ सकते हो, किसी स्टोरी से आप शुरुआत कर सकते हो, किसी कोर्स से आप शुरुआत कर सकते हो, जिससे भी शुरुआत कर रहे हो वो देखो कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी चीज यही है, आप किसी भी चीज से शुरुआत कर रहे हो लोग देखेंगे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है लोगों का, वो नॉर्मल लाइन भी हो सकती है, कोड भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। तो जैसे तैसे शुरुआत होती रहती है, मैं लिखता रहता हूँ और हाईकोर चीज की जब मैं लिखता रहता हूँ तब भी मैं बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूजिक प्ले करता हूँ, जब मैं पावरफुल मोटिवेशनल स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, तो क्योंकि उससे ना फील आती रहती है, फ्लो बनता रहता है, माइंड उसी डायरेक्शन में सोचता है, वही फील करता है। जब खुद मोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशनल थॉट्स आते हैं अंदर से, तो मैं ना मतलब मोटिवेशनल म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, और लिखते लिखते एकदम से रुक जाओ, लगे कि यार माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आधी घंटा लिखा, 20 मिनट, 25 मिनट भी कुछ लिखा, उसके बाद कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है, देन छोड़ दो उसको। उसके बाद में आप ब्रेक लो थोड़ा, आप जितना चाहो उतना ब्रेक ले सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप जितना ब्रेक लेना चाहो ले सकते हो, आपको बाकी काम करना है करो। उसके बाद में फिर से जब आपका माइंड फ्रेश हो जाए, फिर से आप यहाँ पर आओ, उसके बाद में फिर से लिखना स्टार्ट कर दो। उसके बावजूद भी आपके माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे, यानी कि आप में नॉलेज की कमी है, कड़वा है लेकिन सच है। और कड़वा क्या है, देखो नॉलेज की कमी है तो है, हर इंसान में नॉलेज की कमी होती है किसी न किसी फील्ड में, तो आपको हो सकता है कि आपको अपनी ही फील्ड में नॉलेज की कमी हो। कि माइंड में ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल थॉट्स आए, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल चैनल्स को देखना होगा, उनके वीडियोस देखने होंगे, जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनको देखना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा। कई सारी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कई सारे आपको सेमिनार अटेंड करो ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो ऑनलाइन काफी सारे हैं, नए नए कोर्सेज करो, काफी कुछ है। तो जितना ज्यादा आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, जितनी नई नई चीजें सीखोगे, जितना नॉलेज गेन करोगे, उतने ज्यादा आपके अंदर से थॉट्स आएंगे और उतना ही अच्छा आप अपनी ओर से लिख पाओगे। और वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते टाइम हर वक्त आपके अंदर ये क्वेश्चन होना ही होना चाहिए कि ये वीडियो क्यों, इस वीडियो से ऑडियंस को क्या मिलेगा। अपने बारे में नहीं सोचना कि हाँ इस वीडियो को बना करके मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे ये मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, इस वीडियो से ऑडियंस को क्या मिलेगा एट दी एंड, क्योंकि ऑडियंस ही तो है सब कुछ, उसी उन्हीं की वजह से तो आपको मिल रहा है सब कुछ। तो मेरे इस वीडियो से ऑडियंस को क्या मिलेगा, और क्या वीडियो में कहीं एक भी ऐसी लाइन तो नहीं है जिससे कि किसी एक भी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको लग रहा है तो तुरंत उस लाइन को हटा दो, और हर वक्त माइंड में सोचें कि कौन सी ऐसी लाइन होगी मेरे वीडियो में, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो कुछ ना कुछ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है, हम ना टाइम पास करने नहीं आए देखो यूट्यूब पर, हम मोटिवेशनल वीडियोज बना रहे हैं, और हमें जेन्युइन रहना चाहिए, जो हम वीडियो में बता रहे हैं वो हमें खुद भी फॉलो करना चाहिए। देखो मैंने आज से 3 साल पहले मैं जब मोटिवेशनल वीडियो बनाता था तो लोग मेरा मजाक बनाते, बोलते कि हाँ खुद तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खुद ने क्या कर लिया क्या कर लिया। उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन जो उस वक्त मैं वीडियो में बोलता था वो सारी चीजें मैं खुद करता था। मैं कहता था मेहनत करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, मैं करता था, और आज मैं हूँ आपके सामने। तो आप जो बोलते हो वो खुद भी करो, और जब आप खुद करते हो तो आपके अंदर से असली मोटिवेशन निकलता है। असली मोटिवेशन उसी के अंदर से निकलेगा जो उन हालातों से गुजर रहा है, ठीक है, लोगों को वही फील करा सकता है जो खुद इंसान फील कर रहा है। तो हम यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आए, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने आए। तो या तो आप जो कर रहे हो वही लोगों को बताओ, या फिर जो आप लोगों को बता रहे हो वो खुद भी करो, और जो रियल बातें हैं, जेन्युइन बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं वही लोगों को बताओ, और लोगों को ना मोटिवेट करके उनकी लाइफ चेंज करना हमारा पर्पस है, ना कि यूट्यूब से सिर्फ पैसा कमा करके अपने बारे में सोचना और खुद को सिर्फ सफल बनाना हमारा मकसद है, ऐसा नहीं है हमारा मकसद। हम सबको एक असली क्रिएटर बनना है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है जो हमसे सीख रही है उन सबके लिए हम एक इंस्पिरेशन बने। तो स्क्रिप्ट लिखते वक्त ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपकी जो स्क्रिप्ट होगी ना बहुत ही कमाल, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल होगी और बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन आपकी स्क्रिप्ट होगी। तो जब आपकी स्क्रिप्ट एक बार रेडी हो जाती है तो उसे बार बार पढ़ें, उसका रिहर्सल करें, उसे पढ़ते रहें, और सोचें कि इसे मुझे कैसे बोलना है, कैसे बोलूं ताकि ऑडियंस ज्यादा इंगेज हो, लोग मोटिवेट हो, या फिर कोई इसमें से कौन सा बोरिंग पार्ट लग रहा है ये मुझे हटा देना चाहिए, या फिर कहां पर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, या फिर कौन सी बात ऐसी है जो कि इंटरेस्टिंग नहीं हो, पार्ट हटा दो जितना हो सके, कम रखो लेकिन अच्छा रखो। अगर आपका वीडियो सिर्फ 2 मिनट का भी है, 1 मिनट का भी है, लेकिन वो 1 मिनट भी बहुत ही कमाल के होने चाहिए। अदरवाइज आप 10 मिनट का बना रहे हो, 15 मिनट का बना रहे हो और वो इंटरेस्टिंग ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा उस वीडियो में, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। और वॉइस ओवर में भी सेम प्रॉब्लम आती है जो कि हमें स्क्रिप्ट राइटिंग में आती है, कि शुरू की जो 3-4 लाइंस होती है वो लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि क्या लिखें कैसे लिखें। सेम चीज होती है वॉइस ओवर में, कि वो शुरू की 3-4 लाइन जो लिखी हुई है उसको किस तरीके से बोलें। कई बार हम जिस तरीके से बोलना चाहते हैं उस तरीके से बोल नहीं पाते, कई बार कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं
उनको हम ठीक से नहीं बोल पाते तो फिर उसके से बार बार बोलना पड़ता है। सोचते रहते हैं कैसे शुरुआत करूँ, पहला जो पहली जो मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो सही से रिकॉर्ड हो जाए, फिर एक फ्लो बन जाता है, फिर इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन वो बनने में ना वो टाइम लग जाता है, 3 से 4 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड करने में, मतलब 5 मिनट की वॉइस रिकॉर्ड करने में मुझे कई बार आधी घंटा लग जाता है, स्टार्ट करने में ही मुझे 8-10 मिनट लग जाते हैं। उसको बोलता हूँ, काटता हूँ, बोलता हूँ, काटता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, अच्छा नहीं लगा काट देता हूँ, फिर बोलता हूँ, सुनता हूँ, फिर अच्छा लगा फिर काट देता हूँ। फाइनली लगता है कि हाँ अब ठीक है, बस उसको रखता हूँ, फिर आगे बोलना स्टार्ट करता हूँ, फिर एक फ्लो बन जाता है और फिर चलता रहता है। अब यहाँ पर जिन भी लोगों को ये लगता है कि मैं एक ही बार में पूरा पूरा बोल देता हूँ, तो भाई ये आपका भ्रम है। एक वीडियो में कई सारे कट्स होते हैं, वो एडिटिंग के टाइम सब जुड़ जाते हैं, आपको दिखता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पार्ट बोलता हूँ, उसको सुनता हूँ कि हाँ सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे बोलता हूँ, फिर उसको सुनता हूँ सही है, ओके, फिर आगे का पार्ट, फिर आगे का पार्ट, फिर आगे का पार्ट, फिर बीच में कई बार बीच में होते ऐसा होता है कि जीवान फिसल जाती है, अटक जाते हैं, और बीच में कुछ कुछ ऐसे मनहूस वर्ड निकलते हैं ना, हम नहीं लिखे हैं लेकिन वो इतने मनहूस वर्ड होते हैं, 10-15 बार बोलते हैं उनको फिर वो क्लियर निकलते ही नहीं। नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं क्लियर निकल जाते हैं, लेकिन जब वॉइस ओवर करने के लिए बैठते हैं पता नहीं वहां क्या हो जाता है हमको, तो वहां पर बहुत दिक्कत आती है। और कई बार क्या होता है, मान लो एक ये पूरा सेंटेंस है, यहां पर एक वर्ड है जो कि हमें बोलने में दिक्कत आ रही है, जैसे तैसे हमने बहुत कोशिश करने के बाद ये वर्ड सही से बोल दिया, तो यहाँ वाला वर्ड है ये गलत निकल जाता है, तो हमें फिर से अब ये वाले बोलना पड़ेगा और फिर से इस वर्ड को भी बोलना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को वो समझ सकते हैं जो एक्चुअल में ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी ये बातें, आप ही समझ सकते हो सिर्फ। तो होता है ऐसा तो सहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो तो खुद भी दर्द सहना पड़ेगा, तपना पड़ेगा मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए भी, ऐसे नहीं बनते। और देखो इतने इतने पार्ट्स में या फिर किसी लाइन को बार बार बोलना है, फिर इतना टाइम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना इमोशन हो सकता है मैं अपनी वॉइस के थ्रू ऐड कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। जितना इमोशन आप ऐड कर सकते हो अपनी वॉइस टोन के थ्रू करो, अपना वॉइस का टोन जितना आप बेटर कर सकते हो, जितना इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को कर सकते हो करो, वहीं से मोटिवेशन क्रिएट होगा। देखो एक लाइन होती है, उस लाइन को आप बोल रहे हो इट्स ओके, लेकिन उस लाइन को आप कैसे बोल रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने थॉट्स को, आपकी एनर्जी क्या है वहां पर। अब देखो हर बार एनर्जी हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप स्लो मोशन में भी बोल रहे हो तो स्लो मोशन में भी आप कितने अच्छे से बोल रहे हो, कितने क्लियर तरीके से बोल रहे हो। तो भले ही वॉइस ओवर में 1 या 2 घंटे भी लगते हैं, 2 क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे वीडियो का। तो वॉइस रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद में बारी आती है उस वॉइस को एडिट करने की। आप वॉइस को एडिट कैसे करें, फोन में अगर आप करते हो तो उस पर भी मेरा वीडियो है, अगर आप पीसी में करते हो तो उस पर भी मेरा वीडियो है, और आप सब लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया उन दोनों वीडियो पे, थैंक यू सो मच, तो आप जाकर देख सकते हो। तो वॉइस को एडिट करने के बाद, मतलब मैं अपनी वॉइस कैसे एडिट करता हूँ वो मैंने बताया है, आपको आई कार्ड ऊपर लिंक मिल जाएगी। उसके बाद में एडिट करने के बाद में बारी आती है फाइनल वीडियो एडिटिंग की। और एक और चीज़ की, अगर आप म्यूजिक प्री डिसाइड कर लेते हो, पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस वीडियो में मैं ये म्यूजिक रखूंगा, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये म्यूजिक इस तरह से चल रहा है तो मुझे इस हिसाब से लिखना चाहिए और मुझे इस हिसाब से बोलना चाहिए, तो फिर आपका जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है ना वो पूरा आपका विजन क्लियर होता है, फिर आपके हिसाब से निकलता है। अदरवाइज आपने बोल दिया, अब आपने जिस तरह से बोला है उस पर परफेक्ट म्यूजिक बैठना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब आपने किस टाइप से बोला है कुछ सही नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले से म्यूजिक पता है कि हाँ ये म्यूजिक है मुझे इसके हिसाब से बोलना है, तो फिर बहुत मजा आएगा वीडियो में। तो पहले से डिसाइड कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब वॉइस ओवर के बाद में यहाँ पर बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। और वीडियो एडिटिंग भी हर बार तो नहीं, लेकिन कई बार हाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशनल वीडियो में भी, क्योंकि जो क्लिप्स हम यूज करते हैं वीडियो के अंदर, वो क्लिप्स से अगर लोग रिलेट करते हैं तो वो इंगेज करने में लोगों की हेल्प करती है। अगर आप मेरे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर जो भी लोग देखते हैं जो मेरे लॉयल ऑडियंस है जो बहुत ही अच्छे से देखती है, उनको पता होगा कि जो वीडियो क्लिप्स हम यूज करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ क्लिप लगा दी ऐसे ही नहीं, बहुत टाइम लगता है ढूंढने में, बहुत सोचना पड़ता है कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊं कि लोग उससे रिलेट करें, लोग क्या करें कि उससे लोग इंगेज रहे, बहुत सोचना पड़ता है। तो एक एक क्लिक बहुत बारीकी से सोच समझ कर वहां पर लगाते हैं। जो लॉयल ऑडियंस है मेरी उनको पता होगा, वहां पर देखती होंगी तो देखते होंगे आप, तो आई थिंक आप रिलेट करते होंगे उन क्लिप्स से, तो क्लिप्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब बारी आती है कि क्लिप्स कहाँ से निकालें, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हम कहाँ से क्लिप्स लेते हैं, तो देखो एक साइट है स्टोरी ब्लॉग, प्रमोशन नहीं है ऑब्वियसली, तो वो एक पेड साइट है, वहां पर लाखों आपको फुटेज मिलती है, पेड है लेकिन, स्टोरी ब्लॉग उस साइट का नाम है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वहां से हम लेते हैं। और उसके अलावा हम हॉलीवुड की जो मूवीज है वहां से हम क्लिप निकालते हैं, आप भी निकाल सकते हो, लेकिन छोटी क्लिप निकालना, ज्यादा बड़ी मत निकालना, अदरवाइज कॉपीराइट आ सकता है। छोटी क्लिप निकालो, अलग अलग मूवीज निकालो, उसमें थोड़ी एडिटिंग करो, थोड़ा सीखो, बहुत कुछ एडिटिंग में बहुत कुछ सीखने को है और काफी हेल्पफुल होती है मोटिवेशनल वीडियो में भी। तो जब वीडियो एडिटिंग हो जाती है उसके बाद में तैयार होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो। इसके बाद में सबसे लास्ट में आता है हमारा थंबनेल। थंबनेल आप पहले ही बना सकते हो, बाद में बना सकते हो। थंबनेल के लिए भाई साहब कई सारे लोग पूछते हैं कि मैं जो इमेजेस है वो कहाँ से लाता हूँ, तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, अगर सैड, एंग्री, जिम, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो मैं सर्च करता हूँ,
फिर उसी से उसको उस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर नीचे उसी से रिलेटेड कुछ इमेजेस आती है, फिर उन पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर उनमें से कई सारे डाउनलोड करता हूँ, फिर उनको कंपेयर करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन सी बेस्ट लग रही है। इस तरह से मैं इमेजेस निकालता हूँ और पिक्सल लैब से मैं थंबनेल बनाता हूँ। इसके बाद में एक और चीज है कि फॉरेन की अगर आप थंबनेल देखोगे तो वहां पर भी बहुत ही कमाल की यूज करते हैं वो, और आपको भी मेरी उनसे कुछ सिमिलर मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं, मैंने देखा जनरली एक वीडियो क्लिप होती है उसमें से एक परफेक्ट स्क्रीनशॉट निकालते हैं, स्क्रीनशॉट में जो इमेज निकलती है फिर उसके एडिटिंग करते हैं, उसका एक खतरनाक थंबनेल बनाते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है, बहुत ही कमाल का काम होता है उनका। तो उनसे भी सीखो, और मैंने तो जो बताना था मुझे बता दिया। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, Q&A में हो सकेगा तो मैं कवर करूंगा। और लास्ट में मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए मोटिवेशनल वीडियो मत बनाना, कुछ तो भी उसमें मत बताना, क्योंकि आपका वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ चेंज कर सकता है किसी की, और किसी की लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। आप जो एडवाइस देते हो ना उसमें लोग फॉलो करते हैं, तो हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए। बाकी कैटेगरी एक तरफ, हमारी कैटेगरी एक तरफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कैटेगरी। तो सोच समझ कर पैसा देखो आपको मिल जाएगा, पैसों के पीछे मत भागो, भागो लोगों के पीछे, लोगों की लाइफ चेंज में कैसे कर सकता हूँ, खुद की लाइफ भी और लोगों की लाइफ भी। तो आई होप कि मेरा जो मैसेज था आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो एक लाइक तो बनता ही यार। आई थिंक मेरे अलावा किसी ने भी यूट्यूब पर इतना कुछ तो नहीं बताया होगा मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में, ठीक है? तो लाइक बनता है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, काफी कमाल का ऐसा ही इसी टाइप से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो किसका वेट करो, डिस्क्रिप्शन में लिख के फॉलो करो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।